हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आप सबके साथ जुड़ चुका हूं। दैट इज 12th कॉमर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम 2024 में जितने भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं सर, बहुत सारे सवाल बच्चों के हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट बच्चे कर रहे हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, सर हमें स्ट्रैटेजी दीजिए, किस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से चैप्टर को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि एसपी में क्या हो रहा है ना कि हम जब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं सर, वो चीज है ना, याद रखने को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर कोई हमें पढ़ने का सही तरीका बता दे, उससे हम लोग एटलीस्ट 95 मार्क्स स्कोर कर ले। सर अपना टॉपर तो 99 मार्क्स का है, और ये सब आपको बता रहा हूं, तो जरूर ध्यान से सुनिए, एंड तक सुनिए लेक्चर को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे और आने वाले महीने में बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली है, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। और एक ऐसे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे दो बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एसपी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं चार क्वेश्चन आपको दू और बोलू कि यही आईएमपी क्वेश्चन है, यही करो, कितना सिंपल हो जाएगा? बराबर है सर, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन हमारे वीडियो आप लोग देख रहे हो, और सर सीन ये हुआ कि वो पेपर बनाने वाले ने भी देख लिया। जैसे पेपर तो बहुत पहले बन जाते हैं, बताने का पर्पज ये है सर कि कोई बच्चे के मन में ये डाउट रहता है कि सर अगर वो नहीं आया तो क्या गारंटी कि आपने दिए हुए क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ये सारी चीजों का ना आपको मुझ पे ट्रस्ट भी आए, उसके लिए तो मेरे प्रीवियस ईयर के लेक्चर ही काफी है। आप देखो तो समझ में आएगा कि भाई किस हिसाब से हमने जो कहा है वो चीजें आई है, लेकिन आपको भी समझे आप कैसे आईएमपी निकाल सकते हो, इसलिए पूरा सेशन। अभी आपको मैं सबसे पहले जो पॉइंट बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। एसपी में आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको ये तो पता है कि चैप्टर का वेटेज, ये जो पीछे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में एक मिनट में पहले वेटेज की बात करूंगा। दोस्तों चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 मार्क्स के लिए ये चैप्टर विद ऑप्शन आ जाता है पेपर में। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, मतलब पहले 5 चैप्टर अगर कोई स्टूडेंट्स कर ले तो दोस्तों देख लो आपके 60 मार्क्स विद ऑप्शन कवर हो जाते हैं। पहले 5 चैप्टर बहुत ज्यादा क्रूशियल है। हाँ, इसमें आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो देखो अभी मेरे कुछ लेक्चर भी आने वाले हैं रेगुलर, जिसमें अभी ये सेशन अपलोड होने के बाद एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में अपलोड करूंगा। कौन सा क्वेश्चन? केस स्टडी बेस्ड। और आपको वहां से पता चलेगा कि यार किस इंपॉर्टेंस अगर कोई दे रहा है तो कैसे उसे पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके तो होगा नहीं, वो समझाएगा कौन? और वही तो दिक्कत है सर, क्वेश्चन तो हमें पता है बट हो ही नहीं रहे वो याद। तो देखिए जरा समझ में क्या बता रहा हूं, पहले सुनिए। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, इसमें से लेटर आता है, आगे मैं कहूंगा ही आपको सारी चीजें विद प्रूफ बताऊंगा, एक बोर्ड का पेपर भी लाया है। और मेरा कहने का मतलब क्या बताए दोस्तों, कि आपको बोर्ड में सारी की सारी चीजें, सारे के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे से आते हैं। यस, एक्सरसाइज क्वेश्चन में से ही बोर्ड में एसपी का पेपर बनता है। आपको प्रूफ चाहिए विद पेज नंबर में आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए ये लेक्चरेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा विद प्रूफ सारी बातें होगी। लेकिन इस पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए वेटेज का, चैप्टर नंबर 9 विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स, विद ऑप्शन 11, चैप्टर नंबर 10 विदाउट ऑप्शन 9 मार्क्स। अभी विद ऑप्शन मतलब क्या होता है सर, कि हमें पता है कि अगर चार में से एनी 3 लिखना है तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जिस चैप्टर में से होता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन वाला है ना, तो वैसे वाली बात चल रही है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों मिला के सिर्फ 14 मार्क्स का वेटेज है। चलो ये तो ठीक था सर, वेटेज का हमने स्क्रीनशॉट निकाल लिया। हमारे एसपी में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, अगेन एक मिनट का डिस्कशन इस पे रहेगा, फिर हम आते हैं पेपर पैटर्न होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। लेकिन ध्यान से सुनिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स। अब तुम सुनो जरा, तुमको चाहिए क्या? वही बहुत बच्चों को पता नहीं कि सर क्या नीड है, नहीं पता, समझ में रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे भाई कौन से, बोले वो तो नहीं पता सर, जो तुम दे दो हम पढ़ लोगे। मेरे भाई और बहनों, ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट नहीं दे सकता, इसका तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो। हमारे यूट्यूब चैनल पे, कम्युनिटी सेक्शन में, अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने AKCA ऐप में, तीनों चीजों पे जुड़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जुड़िए, आपको समझेगा कि वहां पे हम ये जो प्रैक्टिस ले रहे हर सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव की, ये 20 मार्क्स आपके वहां पे कवर हो जाएंगे। आप सिर्फ रेगुलर वहां पे जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो इधर तो ऑप्शन तो खत्म हो गया, मतलब इस पे आईएमपी तुमको चाहिए ही नहीं।
तुम्हारा आईएमपी का पार्ट कितना हो गया सर? ये 60 मार्क्स के क्वेश्चन, 80 मार्क का पेपर होता है, 20 मार्क मैंने कह दिया इंपॉर्टेंट चाहिए नहीं, ये समझा। अब 60 मार्क्स के लिए मेरा आपसे डिस्कशन बनेगा, क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे हो क्या दोस्तों? यस और नो, हाँ या ना? सर ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे हम, गलत हुआ तो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गलत करने के चक्कर में सही आंसर क्या है वो भी तो देखेंगे और उससे हमारे ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन हो जाएगा। यस और नो? यस सर करके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जरा समझिए कि हमें अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इस लेक्चर के बाद में एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं, उसका आंसर आपको समझा के दूंगा ताकि आपको पता चले कि 6 मार्क्स हमारे श्योर हो जाए, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 6 मार्क्स के लिए आता है, कोई भी दो क्वेश्चन आपको ऑप्ट करने हैं, एनी टू, 3 मार्क्स का एक सवाल है तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सेपरेट इस पे मेहनत करो क्योंकि आपकी बाकी पढ़ाई एक तरफ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना एक तरफ। सर आईएमपी कितने क्वेश्चन है चलो वो बता दो ताकि आप आगे लेक्चर देखो, नहीं तुमको लगेगा सर क्या ही बताने वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वाली चीज बनाई है। बोले क्या है सर ये, यही तो खजाना है। देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूरा एनालिसिस है, क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई भी दो लिखने हैं, ईच क्वेश्चन अगर आप वेटेज देखो तो 3 मार्क्स, ये समझ में आया? अभी टेबल स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, ईच क्वेश्चन, ये जो है ईच क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 8 मार्क्स, ऐसे ही सवाल है इसमें, राइट? और यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑफ मतलब 4 में 6 में से कोई तो 4 लिखने हैं, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 3 आउट ऑफ 4, एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब ये आपको समझा दो कि ये स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया हुआ है। तो ऊपर तो सिर्फ पेपर पैटर्न की बात चलती है, अब ध्यान से समझिए, किसी स्टूडेंट को ऐसे लगता है सर एक दिन में हमारा सब नहीं होगा, हमें ना आप डेली टारगेट दो, इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए ना, सुनो अब, कि सिर्फ क्वेश्चन आपको दे फेंक के मारने से कुछ नहीं होगा, वो मोई में हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल बात है, ढोकलो समझो कि क्वेश्चन दे दिए तो क्या हुआ सर, व्यूज आ जाएंगे, लेकिन अगर मैंने समझा के आपको बताया, आपको प्लानिंग चाहिए ना एवरीडे। अब सुनो कि अगर मैं आपको कहूं बेटा एक काम करते हैं, जो मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, अभी भी अगर आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सर क्या ही मिलेगा, अब देखो ये वीडियो तो बच्चे देखेंगे, 10 दिसंबर के बाद मैं रेगुलर चीजें वहां पे शुरू करूंगा, डेली टारगेट जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हो, बाकी बैच वाले बच्चों को तो सब मिलेगा ही। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी बैच कैसे करना है मैं बताऊंगा, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया ना पहले तो बैच ज्वाइन कर लो, फायदा आपका ही है, बहुत कम सर 10,000 का कोर्स आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है, और देखिए भाई बेनिफिट उठाइए। तो सर क्या है, चैप्टर नंबर 1 से दोस्तों आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे एक्सरसाइज में, ये क्या है तो नंबर है, अब वो भी करवा के दूंगा। हाँ सर, एक दिन टारगेट रखो कि 2 क्वेश्चन कर लेने, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगते हैं, खत्म हो गया, मतलब एसपी की पढ़ाई कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 साइड बाय साइड सर वो कैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा इसके बाद तुरंत, ठीक है, तब देखना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है, ओके। फिर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आईएमपी चाहिए, चैप्टर 2 में से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी आता है, टोटल 3 दिए हैं और वही से एक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आई रिपीट सर, टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिए, ये 3 नंबर क्या है, टोटल 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप अभी भी देखिए, इसमें से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, बहुत अच्छे से कर लो। चैप्टर 3 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कोई भी 2 ऑप्ट करने, बराबर यहां देखो आपको समझेगा, एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 मार्क्स का एक सवाल है, अगेन चैप्टर 3 के 5 क्वेश्चन दिए केस स्टडी बेस आपके टेक्स्ट बुक के नीचे, वो 5 क्वेश्चन के अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, इसमें से भी एक क्वेश्चन बहुत बार क्या हर अटेम्प्ट में पूछते हैं, तो आपका अगेन ये 3 मार्क्स, मतलब ये पांचों के पांचों को समझा के दूंगा, ये समझ गया तो आप देखो सर पढ़ाई का, देखो मतलब क्या स्ट्रक्चर हो रहा है कि मेरा ये चैप्टर हुआ ये रह गया, अरे भाई लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 एसपी के पेपर में आता है 6 मार्क्स का उस पर मेहनत की है क्या? बोले नहीं सर। तो अगर इस तरीके से मेहनत करवा के दी और कोई भी पेपर आने दो सर, कितना भी डिफिकल्ट, अगर तुमने सब पढ़ा है तुम्हारा ये तो टेंशन खत्म हुआ। यस और नो दोस्तों? ये था आगे क्या बोलो सर, फिर चैप्टर 4 में 3 क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो लेटर वाले चैप्टर है उसमें कोई सवाल पूछा ही नहीं है, और आगे ऐसे आपके टोटल 32 क्वेश्चन है, कितने बेटा 32। अगर हम दिन के 3 क्वेश्चन का टारगेट रखें सर, टारगेट बेस पढ़ना है,
आपको पढ़ाई का टारगेट चाहिए ना, 3 क्वेश्चन पर डे, ठीक है, पर डे 3 क्वेश्चंस, पर डे 3 क्वेश्चंस। तो अगर मैं ऐसे करूं तो 10 डेज आधा आधा घंटा मेरा एसपी का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एकदम आराम से, शांति से, कोई प्रेशर नहीं, और चीजें एकदम सॉर्टेड रहेगी। समझ में आ रहा है? देखो सर, मेरे लेक्चर में कुछ आपको अलग मिलेगा, है ना। वही चीज अभी तुम कहो कि आपको मैं बताऊ, दोस्तों ये तुम्हारे बोर्ड पेपर पे आता हूं मैं अभी, देखो ये बोर्ड पेपर, और आपको मतलब मैं क्यों ये शफल कर रहा हूँ चीजें, क्योंकि आपका भी तो इंटरेस्ट बता रहे। आप बोले कि हाँ सर, लेकिन आपने कुछ बोला था कि वो, आप बोलोगे कि आपने दिखाने वाले थे कि सब टेक्स्ट बुक से आया है क्या। दोस्तों ये देखो, आंसर इन ब्रीफ और जस्टिफाई। मैं तुरंत इस क्वेश्चन पे क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुझे पता है मेरा डिस्कशन तो बहुत लंबा चलने वाला है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत भी बच्चों को दिक्कत आती है। वो कहते हैं कि सर हमारे डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, मेरे 2 लेक्चर है ब्रह्मास्त्र के, वो अगर आप देखोगे आपके 12 मार्क्स में आपको साइन करके दूंगा किसी पेपर पे, कि नहीं आए तो सर मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, उसी में से आने वाला है, तो 12 भी सिक्योर कर लो। ये 6 कितना सिक्योर करके दिया सर, 12 और 6 18, अभी तो मैं बताऊंगा और आगे क्या चीज है। आपके एसपी में आपके 99 मार्क्स मिलेंगे सर, आपने पढ़ाई की नहीं की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब अगर करोगे तो विषय खत्म। समझ में आ रहा है दोस्तों एवरीबॉडी, यस और नो? बहुत बच्चे देख रहे हैं सर, आप किसी भी क्लास में, आप किधर भी हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप AKCA से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही एक मोटिवेशन है किसी टीचर के लिए, क्योंकि हमने देखा कि 70% बच्चे तो देख रहे हैं। हाँ सर, लेकिन हाँ सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाएंगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए सर, सुनिए, आपके टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, बोर्ड एग्जाम का पेपर है, आंसर इन ब्रीफ, स्टेट फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स, पेज नंबर 32 पे जाइए, आपको फीचर्स ऑफ बॉन्ड दिखेगा। मेहनत कीजिए, बोले सर यार किधर आप दिखा दो क्या, देखिए आप इतना कीजिए, मैं पेज नंबर के साथ बता रहा हूँ। फिर एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर, पेज नंबर 142 जाइए देखिए। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, पेज नंबर 156, थोड़ा आगे पीछे देख लीजिएगा एक दो, और आंसर इन ब्रीफ में देखिए। क्या आप लोगों को, देखिए जरा ये सर, ये भी मैंने आपके लिए प्रोविजन करके रखा, लेकिन क्या होगा ना, अगर मैं उधर जाऊंगा तो फिर मेरा मतलब टाइम अननेसेसरी वो उधर क्वेश्चन ढूंढने में चला जाएगा। आपको देखो ये सारे मैंने एक जगह चीजें निकाल के रखी, लगता है तो इसका PDF में दे दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन है, मतलब मैंने बाकी चीजें हटा दी, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रखा है, क्योंकि यही से आने वाला है। सर कौन से क्वेश्चन आएंगे जरा वो बताओगे? सर रुको, जरा सुनो पूरा लेक्चर, पहले स्ट्रक्चर को समझो। सर आंखें बंद करके भागोगे कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हो क्या दोस्तों? यस और नो? ये बोर्ड का पेपर, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि आपको मैंने आंसर इन ब्रीफ से आपको डर लगता है, कौन से चैप्टर सर? अगेन मैं कहूंगा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8, मतलब चैप्टर नंबर 10, सॉरी चैप्टर नंबर 9, 10, ये बहुत अच्छे से करो। आंसर इन ब्रीफ यहां से आते तो इस लिख लो कहीं, तो चैप्टर नंबर आपका मैं कहूंगा चैप्टर नंबर, यू कैन से 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, इनके जो आंसर इन ब्रीफ है ना बेटा, मैं 3 ही चैप्टर बता रहा हूँ, वो अच्छे से फिलहाल करो प्रायोरिटी पे। सर उसमें कितने क्वेश्चन है तुम बता सकते हो कि अपना ये जो चार्ट है ना, अभी आओ यहाँ पे तुम सुनो, सिर्फ तुमको IMP का जो मकसद है वो एंड में जाके तो होगा, लेकिन अभी तुम ना जो ये पूरा वीडियो देख रहे हैं ना, उससे अलग ही एक कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। आंसर इन ब्रीफ सर हमें दिक्कत आती है, जरा देखिए अपने इस टेबल को, आंसर इन ब्रीफ कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर इन ब्रीफ, 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। आपको ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स को आएंगे? 4 मार्क्स, मतलब एनी 2 लिखने 3, तो आपको यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं, 3 में से कोई तो 2 ऑप्ट करो। आंसर इन ब्रीफ बता रहा हूं मैंने आपको, क्या कहा चैप्टर नंबर 2 बेटा कितना है? 5 क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ के, चैप्टर नंबर 9 5 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 3 क्वेश्चन, तो टोटल 5 और 5, 10 और 3, 13 क्वेश्चन है। आराम से देखिए, देखिए क्या है वो प्रायोरिटी पे कीजिए सर, टोटल 45 क्वेश्चन है इसके। अगर मैं कहूं कि सर एवरीडे अगर मैं आधे घंटे का मेरा, ये तो हो गया कौन सा क्वेश्चन सर, केस स्टडी बेस, अगर मैंने आधे घंटे दे के एवरीडे अगेन मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए अगेन, तो 3 × 15 15 दिन के अंदर सर, मतलब देखो 15 दिन के अंदर मेरा केस स्टडी बेस का 6 मार्क्स और ये 8 मार्क्स आंसर इन ब्रीफ सेपरेटली चलेगा, 15 डेज इनफ इस क्वेश्चन के लिए, आपका सब खत्म हो जाएगा, 3 क्वेश्चन सिर्फ, ज्यादा लोड नहीं। आप दिन में सब करने जाते हो बहुत पैनिक होते हो ना, नहीं ये और एक्सरसाइज से ही आएगा, मैं कह रहा हूं, मेरा ये प्रॉमिस है आपसे।
समझिए ये चार्ट सर हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें आप प्रोवाइड कर सकते हो क्या? दोस्तों ये वीडियो ना स्टूडेंट तो देख ही रहे, लेकिन अपने कोर्सेस लिटरली मुझे फोन भी आए थे, चार पांच कॉलेज के टीचर से जितने कोर्सेज बाय किए हैं और क्या कहो। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉलेज अच्छी बात है भी बटना चाहिए, बच्चों का फायदा उससे, लेकिन आप ये एडवांटेज उठाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। मेरे एप्लीकेशन में मैं अपलोड कर दूंगा अमोल का सर एकेसी ऐप, अगर आप iOS यूजर हो, आईफोन यूजर हो, तो आप प्ले स्टोर से क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA, अमोल कासार्स AKCA का जो AKCA ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कीजिए, आप अपने ऐप पे आ जाओगे। iOS प्ले स्टोर पे तो सिंपल अमोल कासार नाम डालिए, आपको अपना ऐप मिल जाएगा, ठीक है, अमोल कासार्स AKCA ये नाम से। चलो एनीवेज ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते सर, सर सबसे इंपॉर्टेंट बताओ ना और एक चीज, आईएमपी सुनो, मतलब आईएमपी में पहले आप स्ट्रक्चर बना रहे हो कि नहीं तो सीधा 10 क्वेश्चन फेंक के मारे सर, क्या पेपर में नहीं समझ रहा कि कहां से शुरू करें। ये कुछ एसपी में डायरेक्ट चार क्वेश्चन पे बात नहीं बनेगी दोस्तों, अगर आज इधर उधर हुआ तो तुम इसमें लिटरली बहुत बुरे मार्क्स लेके आओगे। मैं जो कह रहा हूं हर एक चीज फॉलो करो। सर मैंने दो क्वेश्चन बताए आंसर इन ब्रीफ, चलो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए ना तो पहले मैं आपकी मुराद पूरी कर देता हूं। आप जरा आइए पेज नंबर देख लीजिए, फिर मैं आगे का मेरा डिस्कशन करता हूं। दोस्तों जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो बहुत अच्छा है, 50-50 विषय इसका, मतलब क्या सर आपको बोर्ड में चार क्वेश्चन आते हैं, कितने चार, लिखने कितने एनी टू, मतलब चार मार्क्स का एक सवाल। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत देते बच्चों को, बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सर पहला सवाल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर, बताओ जस्टिफाई करो। पेज नंबर 68 चैप्टर नंबर 3 पे जाइए जरा और देखिए क्या ये आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है क्या, एज इट इज, यस सर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज में से एसपी और ओसी, इको का नहीं बात करूंगा मैं, एसपी और ओसी एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। फिर द सिक्योरिटीज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज द रेगुलेटर रेगुलेटर फॉर सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, पेज नंबर 178 पे जाइए, चैप्टर नंबर 10। देखिए एक बार अपना एक बार ना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए चेक करके। अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी, पेज नंबर 157। लेकिन दोस्तों अगर मैंने आईएमपी सवाल दे दिया, चलो ये सवाल आप पढ़ोगे आप रटोगे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप भूलने वाले हो। एसपी में आपको समझाने की जरूरत है आईएमपी क्वेश्चंस की नहीं, और वही इसीलिए आपके लिए नॉमिनल प्राइस पे बैच लॉन्च किया है कि आप आइए। ये चीजें 10 दिसंबर से मैं रेगुलर शुरू कर रहा हूं, लेकिन ऑफर वाला प्राइस सिर्फ रहेगा आई थिंक सो 4-5 दिसंबर तक, उसके बाद उसी कोर्स का प्राइस फिर 5,000 हो जाएगा। अब देखिए आपको फेवर में है, क्योंकि देखो आईएमपी तो भाई वो क्वेश्चन मेरे को पता है ना, देखो अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज, मैंने बोला ये सवाल ये 2022 का पेपर है, 2023 में भी सेम है, वो भी आप चेक क्रॉस चेक कर लो, मैंने करके रखा था सिर्फ पीडीएफ यहाँ पे, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त मेरे दूसरे सिस्टम में अवेलेबल था तो ले नहीं पाया, लेकिन सेम सिनेरियो मेरा एनालिसिस हो चुका है, समझिए। लेकिन अब बच्चा बोलेगा हाँ सर आईएमपी, लेकिन क्वेश्चन लर्न लर्न करके थोड़ी ना जाना है भाई आईएमपी, तो ये थोड़ी ना रट के जाएंगे, आंसर क्या है याद रखना है तो समझना पड़ेगा। अ कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, पेज नंबर 68 पे आइए देख लीजिए क्या टेक्स्ट बुक का सवाल है। यस सर मालिक हर एक चीज, इवन लेटर्स भी, पेज नंबर 103, पेज नंबर 115, पेज नंबर 126, ये जो लेटर का सवाल है दोस्तों, इसका आईएमपी अगर आपको चाहिए मैं आपको बताऊंगा। ये देखो लेटर का क्वेश्चन कैसे करना है, अपना इस अपने इस पीडीएफ पे जाइए। कौन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 7 लेटर्स, देखो यहाँ पे दिखा है कितने मार्क्स के लिए आता है सवाल, 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन कितना होता है 5 मार्क्स के लिए, ये यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नाम दिए 6, 7 और 8, इन्हीं चैप्टर में से यहाँ पे सवाल आएगा, बाकी कोई और चैप्टर करने ही नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई सर, आप देखिए जरा कि क्वेश्चन नंबर 7 करना है 10 मार्क्स से, 10 मार्क्स 80 में से 10 मार्क्स, 20 मार्क्स आप देख चुके मेरे साथ कर लो आप टेलीग्राम पे अपने कम्युनिटी सेक्शन में, 10 मार्क्स वो बच्चा जिसको इस पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं बोलूं बेटा 15 लेटर करेगा एक दिन का एक लेटर, कितने लेटर है सर टोटल एक्सरसाइज क्वेश्चन में, चैप्टर नंबर 6 के 5 लेटर, 7 के 5 लेटर और चैप्टर नंबर 8 के 5 लेटर, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 6 में से, एक लेटर होता है चैप्टर नंबर 7 में से और एक लेटर होता है चैप्टर नंबर 8 में से, ऐसे इन 3 क्वेश्चन में तीनों चैप्टर से एक एक लेटर पूछा जाता है।
आपको कोई तो एक लेटर क्या करना है, लिखना है। मतलब दो चैप्टर अगर आप थरोली करोगे दोस्तों तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि मैं क्या बता रहा हूं सर, आईएमपी देख के क्या कर लेगा मेरे भाई। तू बोलेगा कि सर अब तो मेरे को 95 मिल सकते हैं सर अगर मैंने इस तरीके से पढ़ा। टोटल कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। एवरीडे वन लेटर लर्निंग प्लस राइटिंग, टारगेट 10 दिसंबर से दूंगा मैं। 10 दिसंबर से भी अगर शुरू करता हूं टारगेट देना, हमारे क्रैश बैच, सारथी बैच, रेगुलर बैच, तो भी बच्चा 30 दिसंबर तक एसपी में कितना पढ़ लेगा सर। आईएमपी क्वेश्चन भी वहां पे तो एक्स्ट्रा दूंगा ही, यहाँ पे तो डिस्कस हो गया, लेकिन वहां पे भी जो मैं कहूंगा एक क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा फोकस करना और काम में आएगा। लेकिन जो बच्चे ऑल ओवर महाराष्ट्र से देख रहे, जरा समझिए सर और मैडम कि आपके ये जो 15 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, सिर्फ 15 क्वेश्चन, ओबी कहां से, कोई और चैप्टर में से आएगा सर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, सिर्फ तीन ही चैप्टर, तीन लेटर, दो चैप्टर अच्छे से करो सर, एक नहीं किया तो भी चलेगा, मैं तो बता रहा हूं ओपनली, क्योंकि इसका सिक्वेंस ही ऐसा ये रहा। देखो सर आपको प्रूफ चाहिए, बोर्ड का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तीन लेटर पूछे हैं, पहला लेटर चैप्टर नंबर 6 में से आया है। क्या लेटर है सर, राइट लेटर टू मेंबर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड का, पेज नंबर 103 पे जाके चेक कर लो। दूसरा लेटर डिबेंचर होल्डर को रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वारंट के थ्रू, पेज नंबर 115 पे जाओ। तीसरा लेटर डिपॉजिटर को है, थैंकिंग लेटर है, चैप्टर 8 से 126 ऐसा ही आने वाला है आपको, उसका ही पेज नंबर बता रहा हूं, 126 पे जाओ। hey, IMP, चार लेटर दे दूंगा ना बेटा तो क्या हो जाएगा आपके साथ, धोखा हो जाएगा। जब मेरे पास वक्त है 15 लेटर, और ये मैं आपको कह रहा हूं कि जो लेटर 2023 और 2022, मतलब ये लेटर अब मत करना, 2023 के भी लेटर फिलहाल मत करना, प्रायोरिटी पे ये 6 क्वेश्चन तो 15 में से मैं हटा रहा हूं। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट पे सर। प्रायोरिटी क्या होगी, मेरे टोटल क्वेश्चन कितने लेटर के, 15 सर, इतने ही करने हैं, आंसर इज यस। लेकिन 2022 का जो पेपर है जो आपके सामने अभी, ये देखिए, ये तीन लेटर फिलहाल इसमें से माइनस कीजिए, क्योंकि बोर्ड का अभी तक मैंने एनालिसिस देखा है कि उन्होंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। 2023 मतलब इस साल जो पेपर हुआ था आपका, 2024 में आने वाला है बराबर, ये तीन क्वेश्चन जो है फिलहाल वो माइनस कीजिए। तो सर अभी आप लोगों के पास करीब करीब 9 क्वेश्चन बच जाते हैं जो आप प्रायोरिटी पे करो, और उसके बाद ये भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। तो 10 से 15 दिन में अगर मैं कहूं बेटा तू पेपर देने जा रहा है, बोर्ड का पेपर 2024 में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव तो हम करवा ही रहे हैं, क्या ये 10 मार्क्स तुम्हारे अकाउंट में सिक्योर होते हैं? यस सर। क्या तुमने 30 मार्क का पेपर लिखा? हाँ सर। डिस्टिंग्विश आने वाला हो, 12 मार्क्स मैंने आपको प्रॉमिस किया, लेक्चर देखिए, आईएमपी के पीछे गिर रहे हो, मैं आपको सीधा पढ़ा रहा हूं सर, प्लेलिस्ट में जाइए एसपी के, आपके 12 वो सिक्योर। तो सर हो कितने गए अभी यहाँ पे, आपके क्वेश्चन 42 मार्क्स डन। आइए आइए सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर, क्या ये 8 मार्क्स का सवाल भी टेक्स्ट बुक में से आता है? पेज नंबर 38 पे जाइए, चेक कीजिए व्हाट इज प्रेफरेंशियल। और मैं आपको अभी बता रहा हूं आईएमपी क्वेश्चन में दोस्तों कि सीधा क्वेश्चन मत ले लो, आपके साथ धोखा हो जाएगा, कोई भी ऐसा लेक्चर मत देखिए, क्योंकि पेपर तो बोर्ड वाला ही बनाता है दोस्तों। अगर मैं 4 क्वेश्चन दूं किसी भी यूट्यूबर का, अगर एनालिसिस गलत हुआ तो आप अपने करियर को क्यों दांव पे लगाओगे? हाँ, लेकिन इस तरीके से अगर आप समझोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अपने इस टेबल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 कौन से चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर? लॉन्ग आंसर है, 8 मार्क्स का सवाल है, 2 में से एक आपको लिखना है दोस्तों। कंपल्सरी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में टोटल टेक्स्ट बुक के नीचे 6 सवाल दिए, उसमें से 2 माइनस कर दो। 2021 को पेपर हुआ नहीं था, 2023 दोनों ही बार इस चैप्टर में से सवाल आया है, उनको छोड़ के पहले 4 क्वेश्चन को करो, 2024 में इसी में से सवाल आएगा, कोई 2025 में देख रहा होगा तो अगले इसमें से। लेकिन समझो 4 क्वेश्चन सर, ये आप बताओगे क्या? अभी देखो मैंने आपको कहा ना, क्या कहा सर, यहां पे आओ, मैं क्या बताना चाहता हूं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, ये तो यही पे है, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूं, चलो सब आपको करके दूंगा सर। इस लेक्चर के बाद मैं आपको कहूंगा कि महाराष्ट्र का कोई भी स्टूडेंट जिनका एसपी है उन्हें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए सर। आप सब्सक्राइब करके चलो सिर्फ चैनल को, इतना आप यहां पे इस लेक्चर के लिए कर सकते हो। यस सर, ये देखिए चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, टोटल कितने क्वेश्चन है आपके? 6 क्वेश्चन है राइट, इसमें से आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे। देखो व्हाट इज शेयर एंड स्टेट इज फीचर, बहुत सिंपल सा सवाल है,
इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेनिस फीचर इस साल आ गया था 2023 में शायद से। प्रेफरेंस शेयर हमने डन कर लिया, प्रेफरेंस शेयर फीचर ये वाला टाइप्स वाला आईएमपी कर लो इस बार। क्वेश्चन नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर आईएमपी कर लो, ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी करो 2024 के लिए। 8 मार्क्स का सवाल, तुमको चाहिए क्या आईएमपी में, यही तो सवाल चाहिए बड़ा वाला। बाकी तुम आईएमपी के लिए कहां घूम रहे हो सर, चार क्वेश्चन देके बोल रहा हो कि गलती मत कर लेना सर। एसपी का जिस तरीके से मैंने आपको जो चीजें बताई है वैसे ही आप फॉलो कीजिए। 10 मार्क के लेटर में 15 दिन का टारगेट दूंगा, 15 दिन एवरीडे 1 लेटर ए डे राइटिंग लर्निंग एकदम आराम से शांति से करेंगे सर, फिर वापस रिवीजन कर लेंगे। 10 मार्क्स आपको श्योर हो गए, आपको टेंशन है ब्लॉन्ग आंसर सर, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन लर्न नहीं होते, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बनाया था। ये चैप्टर के अगर ये 6 क्वेश्चन किए बोर्ड में जो आए थे वो दो छोड़ो, 4 वो बाद में पढ़नी है, 6 के 6 पढ़ने, लेकिन प्रायोरिटी पे जो बोर्ड में आके के वो छोड़ के बाकी के 4 इतने कर लिए, मैं आपको कह रहा हूं 2024 में आपका विषय खत्म हो जाएगा। पेपर के आने के बाद मेरा लेक्चर वापस देखिएगा सर, आई रिपीट 6 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर से पे काम करना 4-3 इसके 5 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन है। एवरीडे आप अल्टरनेट 2 दिन में एक सवाल करो, महीने भर में एसपी आराम से कवर होता है सर, आराम से। हाँ, ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि शुरू कैसे करें पढ़ना। और ये टेक्स्ट बुक, ये चार्ट जो है ना सर, आपके टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल है, अभी समझा ना, 6 क्वेश्चन थे इसलिए 6 नंबर लिखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं तो 6 है, तो ये जो नंबर दिख रहे नंबर ऑफ क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के नीचे, आपके सामने पूरा पिटारा है सर, क्या खाना है कैसे खाना है आप देखिए, यस और नो, हाँ या ना। और सर फिर बाकी चैप्टर नंबर 6, 7, 8 में से कोई लॉन्ग नहीं आता, लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन। चैप्टर नंबर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट से पूछा है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 और 3 कर लिया ना बेटा, आपको इन क्वेश्चन पे आप नहीं भी गए तो भी चलता है, वन टाइम रीडिंग किया तो चलेगा, लेकिन लर्निंग वाला जो काम है ये 11 क्वेश्चन करना। आईएमपी समझ रहे हो, मेरा स्ट्रैटेजी समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं सिर्फ एक सवाल दूंगा और सर वहां पे मैं क्या, कोई भी किसी पे भी भरोसा मत रखिए सर, ये तो बहुत लग जाएगी जिंदगी में, ठोक लो, समझ में आ रहे हो क्या? यस और नो, और आपके करियर के साथ आप खुद मत खिलवाड़ करना। तो सर अब थोड़ा अच्छे से बताइए कि आपने अब तक हमें क्या बताया, मैंने अब तक आपको दोस्तों क्या बताया वो बता रहा हूं। चलो मैंने आपको ये समझाया, ध्यान से समझिए आईएमपी सर, और आप भी बोलोगे हाँ सर मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स मैंने आपको कहे कि दोस्तों ये डेली प्रैक्टिस अपने टेलीग्राम अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे हो रहा है तो वहां पे खत्म हो जाएगा, तो 20 मार्क्स का टेंशन खत्म, तो 80 में से मैं 20 मार्क्स रिड्यूस करता हूं, तो आप देखते रहो तो आपको समझेगा मैं क्या कह रहा हूं। तो अब टेंशन बचा 60 मार्क्स का। मैंने आपको कहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डेली 3 क्वेश्चन करने हैं, कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन है मैंने यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ओके। तो आप लोगों के ये 6 मार्क्स और एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स के लेटर। मैंने आपको क्या कहा, कितने चैप्टर है, 3, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, 2 चैप्टर भी अच्छे से किए, टोटल 15 लेटर है, एवरीडे 1 लेटर, हाँ उसमें से 6 लेटर जो पेपर में आ चुके हैं दोनों वो अगर हमने हटा दिए, सभी करो 15 के 15 ही करो, प्रैक्टिस होगी, लिख के करो, लेकिन आराम से, किधर भागना नहीं है सर। एग्जाम के 2 दिन पहले मैं बता सकता हूँ कि हाँ बेटा ये ज्यादा अच्छे से करो, लेकिन अभी वक्त है ना तुम्हारे पास, तो अच्छे से पढ़ो, तो आपके ये 10 मार्क्स डन हो गए, तो ये 6 और 10 कितने हुए, 16 मार्क्स प्लस क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 8 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 और 3 के टोटल 10 से 11 क्वेश्चन है, उतने अगर हमने किए रोज आराम से राइटिंग, एक क्वेश्चन का टारगेट रखो तो बहुत पैनिक नहीं होगे। समझाने के लिए मैं उसका ट्राई करने वाला हूं कि हर एक क्वेश्चन का यूट्यूब पे मैं डालू, अगर आप मेरे क्रैश बैच में बाकी बैचेस में हो तो उधर तो दिक्कत नहीं है, 10 दिसंबर से हम शुरू करेंगे टारगेट का और जो भी है। लेकिन अब आपके ये कितने क्वेश्चन हो गए सर, 10 और 8 18 और 6 कितने, 24 मार्क्स यहाँ पे हुए, ठीक है सर 24 मार्क्स मेरे यहाँ पे कंप्लीट हुए, माइनस कर दो इसे 24 मार्क्स को, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6 और ये 3, 36 मार्क्स की पढ़ाई अभी अभी बचती है आपकी। वो कहाँ से सर, इसमें से मैं आपका अभी आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो 12 मार्क्स का सवाल है। चलो बेटा डिफरेंस ये रहा, हर चैप्टर में देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, चैप्टर 1 में 1 है, चैप्टर 2 में 3 है, चैप्टर 3 में 4 क्वेश्चन है, तो टोटल कितने हुए, 8 क्वेश्चन पहले 3 चैप्टर से। यहां से ही आपको इन्हीं क्वेश्चन में से बोर्ड में कोई तो 2 मिल जाएंगे,
कितने लिखने, तीन, ये मैं अभी लिख के देता हूं आपको। सर ध्यान से समझिए, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 इसमें तो डिफरेंस बिटवीन है ही नहीं, तो आपको सोचना ही नहीं, ये पता था क्या आपको, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर सर 9 में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो बहुत आईएमपी है, एक ही है लेकिन वही करो वही रिपीट होता है। 10 में दो है, 11 में दो है, और अगेन 12 में वो जॉबर और ब्रोकर का एक, तो आपको ऐसे टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अरे मेरे भाइयों, अगर आप एक से डेढ़ घंटा एसपी को दे रहे हो, मैं बोल रहा हूं आधा घंटा आप दीजिए केस स्टडी को, आधा घंटा आप दीजिए सपोज उसे आपके लेटर्स को, या 15 मिनट ही काफी, एक ही लेटर में बोल रहा हूं, तो डेढ़ घंटे में भी अगर मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दू ना, तो 15 दिन मुझे दो, एवरी डे वन डिस्टिंग्विश लर्निंग राइटिंग। सर ये देखो क्या क्या नाम है वो भी बताओ, मैंने बहुत पहले देखो बहुत मेहनत लगती है सर ये चीजें, पहले समझेगा नहीं आपको लेकिन इतना लिखा है हर एक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मतलब आपको लगता है कि सर तो आए बड़बड़ कर दिया, लेकिन आपका इस लेक्चर के बाद कॉन्फिडेंस देखिए, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया लेकिन फिर भी आप यहां तक रुके हो, तो सर कुछ तो मिल रहा है आपको। जो नासिक के बच्चे वो आ सकते हैं, बीवाई के कॉलेज के पास ही अपना क्लास है वुडलैंड शोरूम के ऊपर, मिल सकते हैं अगर बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो। लेकिन देखिए सर यहाँ पे आपके पहले चैप्टर में जो डिस्टिंग्विश है उसका नाम है फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, आईएमपी है दोस्तों ये करो। चैप्टर 2 में इक्विटी शेयर वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स वर्सेस डिबेंचर, उसके बाद आपका ओन कैपिटल वर्सेस बोरोड कैपिटल, ऐसे तीन है, मैं नाम भी बता रहा हूँ, यही मिलेंगे आपको एक्सरसाइज के नीचे, इसमें से एक आता ही है। चैप्टर आप 4 देखो तो आईपीओ एफपीओ, उसके बाद आप देखो कि राइट और बोनस इश्यू है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हर बार कभी ना कभी तो आ ही जाता है, ठीक है, राइट और बोनस। उसके बाद ये जो एक है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है मैंने एक्चुअली, बट आप वो टेक्स्ट बुक में जाइए, 4 में से एक है, लेकिन ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के डिफाइंड टर्म में आएगा, मैं वहां तक गया नहीं अभी क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप अननेसेसरी पढ़ाई का ना क्वेश्चन वाइज आप जब पढ़ रहे हो तो स्ट्रक्चर ये रखो, पहले इन क्वेश्चन को कवर करना है फिर जाएंगे लास्ट के 3 क्वेश्चन क्या होंगे प्रिपरेशन के वो बताऊंगा मैं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, बाकी इस चैप्टर में तो है ही नहीं सर। फिर डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन ये तुमने देखा रहेगा अगर कोई भी पेपर जिन बच्चों ने सॉल्व किया रहेगा तो यही मिलता होगा उसे, चैप्टर नंबर 9 में से। फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड सुना रहेगा, डिविडेंड और इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 10 में से। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट ये 2 डिस्टिंग्विश चैप्टर नंबर 11 में से, और जॉबर और ब्रोकर 14 क्वेश्चन एवरी डे 1 क्वेश्चन 12 मार्क्स आपके डन। मालिक आपने क्या मिला आपको इस लेक्चर को देख के पूरा, आपको ये कॉन्फिडेंस आया सर, अगेन -12 मार्क्स यहां से, तो अब आपको चाहिए मेरी तरफ से ज्ञान सर ये 4 और ये 2 24 मार्क्स का कहां पे हम लोग करें, है ना, तो आप देखो मतलब करीब करीब आप लोगों ने कितना पढ़ लिया सर, 80 में से अभी सिर्फ 24 ही रहे, तो 56 मार्क्स दोस्तों आप लोगों के कवर हो चुके, 56 मार्क्स, 20 मार्क्स कॉलेज दोगे तो 76 तो आज ही आप है, बाकी आपको जस्टिफाई में दिक्कत थे, आंसर इन ब्रीफ थे वो तो मैंने बताया नहीं, और डिफाइन टर्म कितने क्वेश्चन बाकी मेरे, 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका आई थिंक सो 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन है, 2, 5 और 6। 2 क्या है, डिफाइन द टर्म, डिफाइन टर्म टोटल 90 टर्म दिए आपके टेक्स्ट बुक में, और बच्चा कहता है पहला यही से शुरू करता है और इधर लग जाती है, डिफाइन टर्म क्या सीने पता बेटा, यहाँ पे यूजुअली इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर 3 में से एक पूछते ही पूछते, वो चैप्टर नंबर 5 में से एक जरूर पूछते हैं, 4 लिखना ना बता रहा हूं, जहां पे ज्यादा है ना देखो 10 10, उस चैप्टर को अच्छे से करो पहले, उधर अच्छे से करो। और ये क्या होता है पता है, दूसरी बात कि जब आप ये बड़े क्वेश्चन, जितना मैंने कहा ना 8वां क्वेश्चन जब करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका वो कंसेप्ट कवर हो जाता है, और 2-2 मार्क्स का सवाल ना आप 2-2 लाइन लिखो तो 1.5 मार्क्स मिलता है, तो इसीलिए प्रिपरेशन में थोड़ा इसे लेट रखो, 90 क्वेश्चन करे जाएंगे बच्चे डर जाएंगे, पैनिक हो गए, फिर पता ही नहीं चलेगा कि सर शुरुआत कहां से करें, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, यस और नो। अब ये लेक्चर उसे समझ में आ रहा है जो मतलब है ना कि मतलब उसका तो पूरा टेंशन ही रिड्यूस हो गया जिस हिसाब से मैंने बताया वैसे अगर उसने पढ़ना चालू किया तो। अब एंड में मैं कुछ क्वेश्चन टिक करके दूंगा, तुम तो बोलना क्या रहे सर यही करेगा, और वही वापस गलती मत करना जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, वापस 2 बार देखो इस लेक्चर को 2 बार, और अगर आपको लेक्चर सही ढंग से समझ गया आपके 95-98 फिक्स। सर ये देखो जस्टिफाई में आपको टोटल कितने क्वेश्चन है 58 और 45, में 2-2, 3-3 क्वेश्चन, मतलब ये जनवरी में भी शुरू करेंगे हम लोग तो भी आपका आराम से कवर होता है सर, और क्योंकि अब आपको अगर देखना है तो आप देखिए कि टोटल आपका 80 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब अगर मैं कहूं कि 8 मार्क्स का ये सवाल है,
8 मार्क्स का ये है और 8 मार्क्स का है, 24 आपके यहाँ पे कवर होता है, तो 24 अब 0-0 का टैली मेरा रहेगा यहाँ पे। तो अब क्या है सर, जस्टिफाई में आप देखो दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ कि आंसर इन ब्रीफ चैप्टर नंबर 2 और 3 तो करना ही, वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो रह गया सिर्फ एक क्वेश्चन जस्टिफाई में, वो आपको आ सकता है चैप्टर नंबर 9 या 10 में से, डिपॉजिटरी और डिविडेंड वाले। जस्टिफाई लिख लो, ये जस्टिफाई के लिए 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ जस्टिफाई के लिए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको टेक्स्ट बुक के नीचे कितने सवाल है। अब पहले लेकिन कौन से क्वेश्चन करोगे 8 में से, ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूं तो अदर देन 4 क्वेश्चन आप करो, जिसमें आपसे लेटर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी हो जाएगा, फिर आपको जो रहेगा डिफाइंड टर्म, ये आपको बाय डिफॉल्ट चलते रहेगा, उसका टेंशन मत लो, आप वहां पे जाओ समझ आएगा। तो 2 ही क्वेश्चन जस्टिफाई और आंसर इन ब्रीफ, और बता रहा हूं सर वो जब मैं अभी वीडियो लेके आऊंगा तो सारी चीजें करवा के दूंगा, अभी बहुत वक्त है सर। अगर आप इतना मुझे करके देते हो 10 पर 8 और 8 16 मार्क्स ना, दोनों मिला के 16 मार्क्स से आप कुछ ना कुछ तो लिखने ही वाले हो, तो बहुत लगेगी नहीं उसमें। सर मेरा अभी का जो काम है, मैंने आपको जो कहा वो कंप्लीट किया। अगर आप चैप्टर 1 निकालो दोस्तों, तो चैप्टर 1 में से अगर मैं कहूं, ये देखो डिफाइन द टर्म एंड कंसेप्ट, आईएमपी अगर मार्क्स करना है दोस्तों तो आप लोग ये मार्क कर सकते हो, दैट इज ये दो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल। अगर अब मैं ऐसे करके दूंगा तो सीन क्या होगा, आप सिर्फ ये करोगे बाकी कुछ पढ़ोगे नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे चल जाएगा, 2-2 मार्क्स का है, इधर टेंशन नहीं है। सर अगर मैं करूं आंसर इन ब्रीफ कितना है सर, ये आ सकता है स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये एंड में दे रहा हूं क्योंकि मेरा बताने का सर पहले 36 मिनट मैंने सारी चीजें डिस्कस की कि एक बच्चा कैसे ओवरऑल चीजों पे ध्यान दे। ओके फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ ओन फंड एंड बोरोड फंड, ये फिलहाल आई भी करो, ठीक है। यस सर बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता नहीं है वैसे तो, चैप्टर नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, चैप्टर नंबर 2 में अगर आप देखोगे सर और मैडम, तो यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्टिव इसके नीचे से ही चीजें आएगी, ऑड वन वगैरह ये सब अपने टेलीग्राम पे कम्युनिटी पे चल रहा है, यूट्यूब कम्युनिटी पे, तो उसका टेंशन नहीं है। 2-2 मार्क्स के जो सवाल है सर, यहाँ पे आपको ये वाला एमपी कर लो, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उसमें सर आपको ट्रेड क्रेडिट आईएमपी कर लो, ये तो हम मैंने कहा था कि एवरीडे 1-1 करेंगे, इसको छोड़ना ही नहीं सर, छोटे से क्वेश्चन है, हर एक करेंगे 6 में से 6 मार्क्स मिल जाएगा। ओके सर, सर जस्टिफाई द फॉलोइंग क्या करे सर, बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी, आईएमपी करो। रिटेन अर्निंग इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फंड, मैं 2-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, एग्जाम के पहले वापस दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको चाहिए, क्योंकि होता है कि सर तुम्हें तो लेक्चर आया एंड तक देखिए और बोले कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिए, तो ये फिलहाल करो टारगेट पे, बाकी मैंने कहा है कि उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है सर, एवरीडे स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं जो मैंने आपको बना के दिया। ये 6 के 6 क्वेश्चन हमें करने हैं सर, समझो इस पे रोज 2-3 दिन में एक हुआ तो भी चलेगा, इस पे रिस्क मत लो। 8 मार्क्स मैंने कहा ना, 2 ही चैप्टर करने, 3 और 4, 8 मार्क्स डन, इधर रिस्क लेने का नहीं, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 सर, चैप्टर नंबर 3 में देखो आप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ सर, मतलब देखो डिफरेंस में भी 2 में सभी करने हो, 3 तो डिफरेंस है, चैप्टर 1 में 1 तो डिफरेंस था और टोटल मिला के सर 14 डिफरेंस है, तो 1 डे 1 डिफरेंस वहां पे इंपॉर्टेंट का विषय नहीं, 2 दिन पहले अपन क्या करना है कर लेंगे, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर बिल्कुल सही, आई होप आपने अब तक सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दिया होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या है सर फाइंड ऑर्डर वगैरह ये तो चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आपको पूरा कवर यहाँ पे देखो, तो टोटल 20 क्या बोलते हैं ना डिफाइंड 20 मार्क्स क्या, 2 मार्क्स के सवाल के इतना करेंगे क्या? नहीं सर, अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है 4 फीचर ऑफ शेयर एक करो, यहाँ पे आप लोग ब्लैंक ट्रांसफर एक कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, आईपीओ एफपीओ, और मुझे जो चाहिए ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बस ये इतने में ट्रांसमिशन, और आपको मैं कहूँ ये ईसॉप, बस इतने क्वेश्चन आप कर लो प्रायोरिटी पे, बाकी हो या ना हो। ओके बोनस शेयर भी एक बार गो थ्रू करके लेना, 5 क्वेश्चन है केस स्टडी बेस, हर कोई डिस्कस करेंगे क्योंकि समझना पड़ेगा, ये लर्न नहीं होगा दोस्तों, कंसेप्ट वाली बात है, पहले कंसेप्ट समझो, तो 1-1 मार्क्स के सवाल है, यस नो जो भी आप बोलो ना, कैन कंपनी फॉरफिट द शेयर ऑफ वाई वगैरह, तो यस नो में आंसर दोगे तो भी आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ये दोनों ही करने हैं सर, ऑप्शन नहीं है यार,
और ये दो भाई, चारों के चारों, क्योंकि इसमें से एक आने ही वाला है। ट्रांसफर ट्रांसमिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लेक्चर देखोगे आपको समझ ही जाएगा। यस सर, ये जितने मैंने अंडरलाइन करके रखे इंपॉर्टेंट है, सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए वापस। ये देखो ये बोर्ड ऑफ रिव्यू, ये आया भी था एक पेपर में, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये आईएमपी कर लो और रिसोर्स को सिर्फ इसमें ऐड कर लेना एक बार। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग में सर मैं आपको जो बोल रहा हूँ अंडरलाइन कीजिए। एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर ऑफर बाय कंपनी, ये एक वाला आईएमपी क्वेश्चन है, और ये वाला आईएमपी करो, ये दो क्वेश्चन आईएमपी करो चैप्टर थ्री से। चैप्टर फोर ये आप करो, लेकिन मेरा पहले 36 मिनट का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, वो तो आपने मतलब जान लगा के देखना ही है। इसमें आप डिबेंचर ट्रस्ट डी आईएमपी कर लेना, डिफाइन द टर्म में, केस स्टडी बेस हमको सभी करने हैं। आंसर इन ब्रीफ, व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये अंडरलाइन करो। और पहला क्वेश्चन सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। ये दो तो अपन हो ही जाएंगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग, इसमें ज्यादा आता नहीं, सिर्फ ये करो, कंपनी कैन इशू ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ डिबेंचर आईएमपी, ये एक बार रीड करना। ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय कंपनी यूजिंग क्या बेटा, इशूइंग डिबेंचर वगैरह। और सिर्फ पहला क्वेश्चन इसमें देखना, दूसरा नहीं देखा तो भी चलेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनी दैट इशू ऑफ डिबेंचर, 8 मार्क्स का सवाल, चैप्टर 1, 3 और 4 में से ही आता है, सॉरी 2 और 3 में से, 4th में से सिर्फ ये वाला एक क्वेश्चन करना, ओके। 5th डिपॉजिटर, दोस्तों इस पे एक केस स्टडी में लेके आने वाला हूं, आपको मैं बताऊ ना इसमें एक सारी चीजें मैंने बता दी, पहले वो पीडीएफ रखना फिर आपको समझ में आएगा। इसमें से एक आपका आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो हम करेंगे। आंसर इन ब्रीफ, स्टेट द कंटेंट ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट आईएमपी करो, और ये वाला, ये दो क्वेश्चन, ठीक है। जस्टिफाई द फॉलोइंग, ट्रस्टी वाला, क्योंकि ऊपर ये वाला करोगे तो एडवर्टीजमेंट वाला होने वाला है, इससे मैं नहीं दे रहा हूं। लास्ट वाला एमपी करो, ये दो क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग में आपने नहीं किया तो भी चलेगा इसमें से। लेटर्स वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं सर, लेटर हर कोई करना है अपने को, बड़े क्वेश्चन इसमें से करने नहीं है। मतलब आपको मैं बताऊं कि ये जो जस्टिफाई वाला है वगैरह कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें आप गिरो ही मत इसके चक्कर में। आपको सिर्फ ये 5 लेटर करना है, 5 में से 2 बोर्ड के पेपर आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो तो उतना हटाओ, बाकी पहले 3 लेटर कर लेने के। 2 बोर्ड के पेपर हुए नए सिलेबस में, 2021 में हुआ नहीं, 22 में हुआ, 23 में हुआ, और समझो एवरीवन यस और नो, तो वो 2 पेपर आप देखोगे उतना हटाओगे और फिर बाकी का आपको करना ही है, मस्ट। समझ में आ रहा है क्या मालिक? चलो ब्रेकिंग न्यूज आपको लगाऊ क्या मैं यहाँ पे? हाँ सर, दोस्तों के साथ शेयर करो सिर्फ डोक। चलो यस सर, ये हुआ, ये तीनों चैप्टर दोस्तों आपके ऐसे ही जाएंगे, मतलब इसमें सभी करना है। देखो कितना सही लगता है, मतलब इस तरीके से आप देखो तो ये अगेन इसके 5 लेटर है, एवरीडे 1 लेटर, ज्यादा दो सोचो मत कि सर आईएमपी एक दिन पहले कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, अब तो इतना करना ही है। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को आराम से समझो दोस्तों, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन पढ़ोगे लेकिन कंसेप्ट नहीं समझेगा तो लग जाएगी, और बेटर है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अभी कर लो। ये दोनों क्वेश्चन आईएमपी करो जो मैंने ऑलरेडी येलो करके रखे। जस्टिफाई में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये, और क्वेश्चन नंबर 1st, बस सर ये करे क्या? ऑलरेडी हम पहले चैप्टर कर चुके तो यहाँ पे दिक्कत नहीं पड़ेगा लॉन्ग आंसर में। डिविडेंड और इंटरेस्ट, इससे एक इसका एक ये डिफरेंस था वो तो करना है, डिफरेंस सबके ही करने हैं, क्योंकि मैंने कहा ना एवरीडे 1 डे 1 डिफरेंस, 14 डे खत्म किस्सा। यस सर, इसमें ना बेटा आईएमपी करो, 2-2 मार्क्स वाले, इंटरिम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, बस। चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप याद रहता है, मतलब नहीं पढ़ोगे तो भी लिख पाते हो आप। ये केस स्टडी हम सब करेंगे, टारगेट है अपना, तो 6 मार्क्स हमको गवाने नहीं है करके, ओके। ये आईएमपी करो, 1 ये वाला, 1 करो, 2 और ये वाला, 1 करो, 3, मतलब ये प्रायोरिटी पे करो, ठीक है। यस, आंसर द फॉलोइंग, बड़ा क्वेश्चन इससे अगेन नहीं आएगा लेकिन हम डिफरेंस करेंगे तो ये चीज हो जाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। चैप्टर नंबर 11,
और खत्म हो जाएगा सर। डिफरेंस हर किसी का करना है बेटा, ये पकड़ के चलना। चैप्टर नंबर 12 में डिफाइंड टर्म में कमर्शियल बिल कर लेना बेटा एक बार। मनी मार्केट वो तो हम जब पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा आपका। ट्रेजरी बिल्स एक बार कर लेना, ये तीन क्वेश्चन प्रायोरिटी पे करो। केस स्टडी बेस हमें करना है, ये दोनों डिस्टिंग्विश कंपलसरी करना है, एक दिन एक डिस्टिंग्विश सर। 12 मार्क्स का सवाल, लेक्चर भी बना के रखे मैंने। ये वाला फीचर एनी फोर एक्सप्लेन एनी फोर फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फिर उसके बाद एक्सप्लेन एनी फोर टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और अगर आपको देखना है ज्यादा दिक्कत नहीं, मैंने लेक्चर भी डाला इस पे रिवीजन, तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मतलब चारों क्वेश्चन आप करो आईएमपीएस सर, एक आ गया तो दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन ये दोनों प्रायोरिटी पे कर। जस्टिफाई द फॉलोइंग, ये वाला मनी मार्केट कैन इशू, और ये दो आंसर इन आंसर बड़े वाले तो करने नहीं है। ब्रोकर में हम लोग आ गए लास्ट चैप्टर दोस्तों। ये देखो ये जो काम है ना, ये डिफरेंस तो हमें एक ही करना है, ठीक है, उसके दिक्कत नहीं। आईएमपी फंक्शन ऑफ सेबी, वेरी वेरी आईएमपी दोस्तों, दो ही सवाल है, दो ही सवाल है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे से करो, क्योंकि चार मार्क्स बन गए सर, तो दो ही अटेम्प्ट करने आंसर द फॉलोइंग में दो, और आप इधर आपके जो बन गए ना तो फिर खत्म है भाई, इसका टेंशन हटाओ, फिर पूरा इस पे आपका डन है। जस्टिफाई में भी दो है, तो दोनों ही क्वेश्चन आप करो। चैप्टर 10 के ये दोनों सवाल आप करो, मैं बोल रहा हूँ बहुत बेनिफिशियल डील होगा आपके लिए, और वो तो आराम से हो जाता है सर। ठीक है, डन हो गया। तो ये अगले 15 मिनट में जो मैंने डिस्कस किया अंडरलाइन करके, वो आप चैप्टर वाइज आओ, लेक्चर वहां पे रोको, क्योंकि मेरे लिए आसान था, मैं सीधा सिर्फ बोलते ना कि स्क्रोल करते गया, आपको चैप्टर पे आना है, टिक करना है, तो आपने पॉज किया रहेगा। बट आप लोग समझिए कि मैं आपको वो जो अंडरलाइन करा के दिया है वो तो 15 मिनट का सेशन सेकेंडरी है, पहला इंपॉर्टेंट पहले जो था क्या 36 मिनट का, जिसमें आपको समझा कि हाँ सर ऐसे अगर किया तो हो सकता है, एवरीडे अगर हमने टारगेट रख के पढ़ा तो आराम से एसपी खत्म हो सकता है और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ओके, एसपी में टेंशन लो मत। 8 मार्क्स का सवाल कहां से आता है सर, मैंने आपको समझाया, यस और नो, जस्ट मिनट सर, लेटर्स का टेंशन खत्म हो गया 8 और 10 18। 12 मार्क्स सर डिफरेंस बिटवीन का टेंशन खत्म हुआ, 30 मार्क्स हुए। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव 50 डन हो गए यहाँ पे, केस स्टडी में करके दूंगा 56, और ये जो उसके बाद मैंने आपको 24 मार्क्स बताया, डिफाइन द टर्म, जस्टिफाई और आंसर द फॉलोइंग, वो आराम से एग्जाम एक देख 15 दिन पहले भी एग्जाम के में वो चीजें लेके आऊंगा। तो एक ये लेक्चर हर एक बच्चे को भेज दो, हर एक बच्चे को, और आप क्रैश बैच ले सकते हो, जरूरी है, नासिक में ऑफलाइन लगाना है, आइए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।